सो यहाँ पे हमने ड्रॉ मेनू कवर किया। सो नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे मॉडिफाई मेनू। सो मॉडिफाई मेनू इसका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था ड्रॉ। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ड्रॉ करना सीखा। मॉडिफाई में क्या करेंगे, आप ड्रॉ किया हुआ चीज़ को मॉडिफाई करना सीखेंगे। एंड मॉडिफाई इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन टू क्रिएट अ कम्प्लीट सब्जेक्ट। सो यहाँ पे पहला चीज़ है इरेज। सो यहाँ पे कुछ भी इरेज करने से पहले हमको कुछ बनाना पड़ेगा। ओके सो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल बनाया। ओके लाइक दिस। अभी हम लोग क्या करते थे, इरेज का सबसे इजी पोजिशन क्या था, हम एस्केप कर देते थे। इसके बाद हमने ऐसे सिलेक्शन किया और कीबोर्ड में हमने डिलीट प्रेस कर दिया। सो दिस इज़ द बेसिक एंड इजी मेथड ऑफ इरेजिंग। ओके सो ये सेम चीज़ आप इरेज कमांड से भी करेंगे। मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, आप एस्केप प्रेस कर देंगे, इसके बाद आप इरेज कमांड में आएंगे। सो देखिए ये सब टूल सीखने के लिए आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने बोला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सी देखिए हम लोग जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमको एंटर करना पड़ता है। तो मैंने एंटर किया तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। सो ये वाला चीज़ बिना इरेज कमांड के भी किया जा सकता था। सो एज ए फॉर्मेलिटी आपका इरेज कमांड भी यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड है कॉपी। सी देखिए कॉपी मैंने आपको ग्राफ बनाते वक्त सिखाया था कैसे कॉपी होता है। सो अभी हम लोग दोबारा इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं कि कॉपी क्या होता है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। सो आई हैव टू रेक्टेंगल्स। ओके सो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ इस रेक्टेंगल का और यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ओके सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन कॉपी, पहला कंप्यूटर ने पूछा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने क्या किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए उसने पूछा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अभी बेस पॉइंट मतलब मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, मेरा ये वाला शेप जो है ये ऐसे आके यहाँ पे रह जाएगा। ओके लेकिन अगर मैं इसको बेस पॉइंट पकड़ूँ और ला के यहाँ पे रखूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से उठाना है और कहाँ पे रखना है। तो मान लीजिए मैंने इसको बेस पॉइंट बनाया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। सो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका वहाँ पे जाके कॉपी हुआ। और यहाँ आप मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं। जब तक आप एंटर करके कमांड क्लोज ना करें, आप यहाँ पे जितना चाहें कॉपी क्लिक करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी होता जाएगा। ओके सो दोबारा एक बार करते हैं। कॉपी मैंने लिया, सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने इसको मान लीजिए अभी बेस पॉइंट पकड़ा और इसको मैं यहाँ पे प्लेस किया जाता हूँ ऐसे। सो मेरा कॉपी इस बेस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड योर कॉपी कमांड।